डैडी को। दूध पीने से बॉडी बनती है। अरे वाह। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? और मैं बहुत अच्छी हूँ। तो आज है दिन मंडे, तो आज मेरा फास्ट है, जैसे कि आप लोग को पता ही है। तो यहाँ पे मैं खा रही थी एप्पल, क्योंकि हस्बैंड लेके आए थे, इवनिंग के ही टाइम पे लेके आए थे एप्पल। एप्पल लाए थे और ग्रेप्स लाए थे, गुआवा लेके आए थे, और आधा हिंदी आधा इंग्लिश क्या बोल रही हूँ, अनार भी लाए थे, सॉरी। तो अनार को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो ये फ्रूट लेके आए थे, मैंने क्या खाया, ग्रेप्स खाया था और मैंने खाया एप्पल। तो मैंने केवल दो चीज़ खाई थी और कुछ नहीं खाया था, और ग्रेप्स थोड़े से खाए थे, बहुत खट्टे लग रहे थे, इस वजह से मैंने नहीं खाया और बस एप्पल खा लिया। और उसके बाद मैं यहाँ से ये थोड़े से कपड़े लेके आई थी छत पे से, तो बस तय बना के रख देती हूँ फटाफट। तो यहाँ पे हैं ये फ्रूट हमारे लिए, आज मंडे है तो हस्बैंड ले आए थे, बाबू को भी अच्छे लगते हैं अनार के लिए, उस दिन बहुत रो रहा था। तो देखिए अनार भी लेके आए हैं और गुआवा लेके आए हैं, एप्पल लेके आए हैं। तो मैंने थोड़े थोड़े निकाल लिए हैं थाली में धुल के बच्चों के खाने के लिए, और बाकी मैंने पन्नी में रख दूँगी। यहाँ पे देखिए पन्नी में रखे हैं बाकी, ये देखिए। तो ये जो ग्रेप्स हैं ना, बहुत खट्टे हैं, ये देख सकते हैं बहुत खट्टे हैं। और एप्पल बहुत मीठा था, एप्पल मुझे बहुत अच्छा लगा था। ग्रेप्स तो मैंने ज़्यादा नहीं खाया, लेकिन हस्बैंड ने इसमें से कुछ भी नहीं खाया, बस हाँ ग्रेप्स खाए थे थोड़े से, पाँच छः। और एप्पल, इसको तो एप्पल बोलते हैं, इसको पता है, गुआवा, ग्रेप्स और अनार को क्या बोलते हैं, पोमोग्राफो जिन्हें ऐसी कुछ बोलते हैं, मैं भूल गई हूँ, सॉरी इसके लिए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। तो मुझे याद नहीं आ रहा है, अभी मेरे को याद था, मैं भूल गई क्या बोलते हैं। तो चलिए इनको धुल लेते हैं और छत पे चलते हैं, छत पे दिखाते हैं बच्चे और हस्बैंड क्या कर रहे हैं। तो चलो दिखा दो डैडी को। ये हमारी भाभी देखो कितने रोजीना रोजीना कपड़े धुल के डाल देती हैं। क्या करें भाई, ठंड में मत धुलो। फंस गया एली, मान जा फंस गया। अरे अरे ढीली करो, ढीली लल्ला, ढीली ढील करो, हाथ से घुमा रहा है। एक छक्का मारा, सारी लूं कपड़े गीले हैं, सूख गया कपड़ा। कतई नहीं। मैं देखो स्टाइल से मारता हूँ भाभी, देखो नीचे ही जान वाली है आपकी। तो भैया अब तो हम आ गए हैं अपनी पूजा करने के लिए, क्योंकि मंडे है अभी और अभी शाम का टाइम हो रहा है 6:30 बजे का। तो मैंने सोचा चलो पूजा कर लेते हैं फटाफट, और पूजा करने के बाद फिर हम कुछ बनाएंगे, खाएंगे, फिर दिखाएंगे तुमको क्या खा रहे हैं और खिलाएंगे भी। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं पूजा। और भाभी भी आ गई थी यहाँ पे पूजा करने के लिए, तो भाभी नीचे पूजा करने आई हैं, भाभी कर रही हैं, मैं इधर कर रही हूँ। तो मेरे से पूछने भी लगी कि दिव्या बन गई तेरी रोटी? तो मैंने कहा अभी नहीं बना, अभी बनाऊँगी मैं रोटी, अभी कहाँ से बन जाएगी इतनी जल्दी भाई, तो अब बनाऊँगी मैं रोटी भाई गरम गरम। तो मैंने कहा चलो अच्छा बना लेती हूँ फटाफट, पहले पूजा कर लूँ उसके बाद बनाऊँगी। और हस्बैंड भी कुछ पूछ रहे थे, शायद मैं भूल गई हूँ क्या पूछ रहे थे हस्बैंड, पता नहीं, याद नहीं आ रहा मेरे को। नीचे और ये किवाड़ देखिए बार बार ऑटोमेटिक अपने आप बंद हो रही थी, तो मैंने यहाँ पे लगा दी किवाड़ में गिट्टी, इसका जुगाड़ कर दिया कि भाई ये बंद ना हो, हम लोग पूजा कर रहे हैं ना इस वजह से।
तो यहाँ पे पहले रखी थी कुर्सी, कुर्सी हटा दी है, इस वजह से यहाँ पर किवाड़ बंद हो जाती है अपने आप ऑटोमेटिक, तो अभी रुक गई है, डर गई मेरे से। अरे जीतेगा लल्ला हमारा पी के दौगा है। और देखो लल्ला का स्पाइडरमैन कैसे देख रहा है, है खड़ा कर दें, खड़ा कर दे। देखो यहाँ खड़ा होकर देख रहा है लल्ला, दूध पी रहा है, दूध पीने से बॉडी बनती है। अरे वाह फिनिश कर दिया, लल्ला तो भैया देखो बिल्कुल हीरो है बिल्कुल। अच्छा चश्मा तो दिखा दो हमें, चश्मा लगा के दिखा दो, पापा को दिखा के आना। कहना ये पापा तो दिखा दिया कहना मैं हीरो लग रहा हूँ, इधर दिखा दो। अरे वाह इधर दिखा दो, एक फोटो खिंचवा ले ऐसे, हटाओ सामने से इसको, हटाओ सामने से। हाँ अरे वाह बाबू तो चश्मा लगा के बिल्कुल हीरो लग रहा है। और डैडी भी चश्मा लगा लेंगे तई, आप भी लगा के आओ, चलो चलो डैडी भी लगाएंगे, चलो ते दोनों का फोटो खींचेंगे। नहीं चलो डैडी भी चश्मा लगाएंगे, देखो लगा लिया। अरे वाह एक्शन, अरे फोटो खींच दिया हमने लल्ला का, अब लल्ला लग रहा है हीरो, अब जाओ खेल लो जाके जाओ। ध्यान से धीरे धीरे जाना कि बाहर फेर देना है बाबू, कह रहा नहीं फेरूंगा। तो ये हमारी दोनों लड़कियां खाना खा रही हैं और हमारी नन्नू भी खा रही है, ओवर एक्टिंग की तो दुकान है हमारी नन्नू, बहुत ओवर एक्टिंग करती है देख लो भाई। कैसा लगा मेरा मजाक? अब उठ जाओ, ओवर एक्टिंग हो गई भाई, खाना खा लो अब बहुत हुआ, जल्दी से। बच्चों ने हस्बैंड ने खा लिया है, अब मैं अपने लिए गर्म गर्म पराठे सेक लेती हूँ भाई, हो रही है पेट में गुड़गुड़, खाना खा लूँ अब बहुत तेज़ से लगी है भूख, लग रहा है कि कोई गर्म गर्म बना के दे दे, बट ऐसा हो नहीं सकता ये तो जानते हैं हम, तो खुद ही बना लेते हैं भाई अब फटाफट गर्म गर्म। तो यहाँ पे हमारा खाना तैयार है, दाल है और शिमला मिर्च आलू मटर की सब्जी है मिक्स वाली, यहाँ पे मिश्रण गया है, पराठे हैं, तो चलिए खा लेते हैं गर्मा गर्म पराठे। आप लोग भी आ जाओ थोड़े से खा लो हमारे साथ, बहुत टेस्टी बना है खाना और देख के ही मुंह में पानी आ रहा होगा आप लोग के पक्का। यहाँ पे मैं सेक रही हूँ पराठे, और सुबह मैंने सेके थे हस्बैंड के लिए तो वो खा के चले गए पराठे, और अभी मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो बस सब्जी रात की रखी है वही हो जाएगी, शाम को बनाऊँगी दूसरी कोई सब्जी,
तो अभी फटाफट यही बना ले रही हूँ पराठे और यही खा लेंगे हम लोग। नन्नू को ही परस दिया है खाना, तो बच्चे नहा भी लिए हैं और यहाँ पे देखिए हमारा बाबू बैठा है और ये नन्नू खाना खा रही है। हम लोग ने चावल रखे थे वो खा लिए थे और इसको चावल खाना मना है क्योंकि इसके कान छेदे हैं, तो ये खा रही पराठे अचार दाल और मिक्स सब्जी ये खा नहीं रही है शिमला मिर्च आलू की। और ये हमारा बाबू बैठा है। आलू गर्म होते हैं आलू खा सकते हैं। लड्डू खा रहे हैं और देखा। डैडी चले गए ना? हाँ। कहाँ गए डैडी? डैडी कहाँ गए लल्ला? ड्यूटी में। माँ लल्ला भी जाने वाला था वो गया ही नहीं। चने अगर आपने कान छुपाया तो चने और मूंगफली बिल्कुल ना खाना। चलिए तो ये ब्लॉग का मुझे एंड भी करना था तो मैंने कहा कि चलो एंड कर देती हूँ ब्लॉग का। और देखिए यहाँ पे कितने सारे कपड़े हो गए, बच्चे नहाए थे ना तो इतने सारे कपड़े हो गए धुलने के लिए, तो धुलूंगी मैं, भिगो दूंगी अभी तभी धुलूंगी। और अभी पहले किचन क्लीन करनी है, ये देखो बर्तन भी पड़े हैं किचन में, कितने बर्तन पड़े हैं, तो एक पहले किचन क्लीन करेंगे। तो चलिए फटाफट इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। और रिफाइंड लाना है मुझे, तो तेल से पराठे सेक रही हूँ अभी क्योंकि रिफाइंड जो है वो ख़त्म हो गया है, पराठा जल गया। अभी मजा आएगा ना। तो रिफाइंड जो है वो ख़त्म हो गया है तो इस वजह से अभी मैंने ना नन्नू के लिए तिकोने वाले बनाए थे, अब ये मैं अपने लिए बना रही हूँ और पुन्नी के लिए। तो हम लोग को जब भूख लगेगी तो हम खा लेंगे, तो मैंने जल्दी में गोली बना दी क्योंकि मुझे भी बहुत सारा काम पड़ा है, बहुत सारे कपड़े भी धुलने हैं और बर्तन भी साफ़ करने हैं, किचन क्लीन करनी है। ये देखो बस दो ही पराठे बनाऊंगी यहाँ पे, ये रखती हैं और इस ब्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। प्लीज़ ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।